हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में लगी हुई कहानी बात अठन्नी की, जिसके लेखक हैं सुदर्शन। तो देखिएगा, रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था, 10 रुपए वेतन था। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखने वाली बात यह है कि रसीला जो था वो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था और उसका जो वेतन था वह कितना था, 10 रुपए। गाँव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और दो लड़के थे। इन सब का भार उसी कंधों पर था। सारी तनख्वाह घर बेच देता पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि उसने इंजीनियर साहब से किस चीज़ की प्रार्थना की। तो उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, और जिस पर इंजीनियर साहब का क्या रिप्लाई था कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, पर मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा। वह सोचता रहा कि यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ किसी ने संदेह नहीं किया। मतलब उसको लग रहा था कि मैं अगर कहीं बाहर चला जाऊंगा तो हो सकता है मेरी सैलरी बढ़ जाए, मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाए, लेकिन यहाँ मैंने एक ट्रस्ट बनाकर रखा हुआ है, इन लोगों को मुझ पर विश्वास है, तो फिर अगर कहीं मैं बाहर जाऊँगा तो फिर वो लोग मुझ पर हो सकता है शुरुआत में डाउट करें, और टाइम लगता है ना हमें चीज़ें सेट करने में। तो उसे लग रहा था इतने सालों से मैं यहाँ हूँ तो यहाँ मेरी सारी चीज़ें बन चुकी हैं, कह रहे यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे पर ऐसा आदर ना मिलेगा। तो उसको क्या लग रहा था, वह क्यों नहीं जाना चाह रहा था कि अगर वह कहीं और जाएगा उसको पैसे तो बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं लेकिन इस तरीके की उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अब आगे देखिएगा, दूसरा करेक्टर इसमें आता है कि जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन जो थे वह इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। तो आपको समझ आ रहा है ना कि शेख सलीमुद्दीन कौन थे? शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोसी थे, और उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। मतलब दोनों लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे तो रमजान रसीला को फल देता, और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था तो रसीला रमजान को मिठाई देता। ठीक है ना, शेख साहब किसके शौकीन थे? फलों के, और इंजीनियर साहब मिठाई के। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा, अगर कोई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो अगर वो मुझे अपसेट लगेगा तो क्या करेंगे हम लोग, उससे पूछेंगे ना क्या हुआ, तुम क्यों दुखी हो। तो वही रहा कि रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा कि मतलब रीज़न जानना चाहा कि वाई आर यू सैड। फिर वो कह रहा है कि पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। सौगंध का मतलब होता है कसम। फिर उसका दोस्त उससे कह रहा है कि तुम सच कह रहे हो, कोई बात नहीं है तो फिर मेरी कसम खाकर कहो कि सब ठीक ठाक है। रसीला ने रमजान का हठ देखा। हठ का मतलब होता है जिद, मतलब वो पीछे ही पड़ गया है ना। तो रसीला ने रमजान का हठ देखा तो उसकी आंखें भर आईं, बोला घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं, रुपया नहीं है। तो फिर ये बताइएगा वो क्यों परेशान था? इसलिए परेशान था क्योंकि घर से खत आया था जिसमें उसके बच्चे बीमार थे और उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कहा तुम मालिक से पेशगी मांग लो, मतलब मालिक से मांग लो जो तुम काम कर रहे हो अपना। तो कह रहा है कि कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा, मालिक ने उससे पहले ही कह दिया था कि तुम्हें कहीं और करना है तो कर लो जाके, मैं एक पैसा भी ना दूंगा अभी। रमजान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और अपनी कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। रसीला सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है। याद रखना कि रसीला क्या सुनकर किस तरीके से भाव विभोर हो गया। तो रसीला क्या सोचने लगा, तो रसीला ने सोचा कि बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब आदमी है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, उसने रमजान का ऋण चुका दिया। ऋण मतलब उसका जो कर्ज था वह चुका दिया। किसी
केवल 8 आने बाकी रह गए थे। रमजान ने कभी भी पैसे नहीं मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आँख न उठा पाता। आँख न उठा पाने का मतलब होता है उसे शर्मिंदगी महसूस होती, उसे बार बार फील होता कि यार मैंने अभी इसके पैसे नहीं दिए, अभी इसके 8 आने बाकी रह गए। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझें आपने मेरा काम मुफ्त किया। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ में आते हैं। वह बाहर आया और उसने रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, आज भी एक शिकार फंसा है। 1000 से कम तय ना होगा, मतलब तुम्हारे साहब ने तो 500 रुपये ही लिया है और मेरे साहब तो इतने बड़े वाले हैं कि उसके भी गुरु हैं, वो तो 1000 से कम में मानेंगे ही नहीं। फिर कह रहा है कि भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाइयों से कोठियों में रहते हैं। और एक हम है कि परिश्रम मतलब स्ट्रगल करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। देखते ना कि बहुत सारे गलत काम करते हैं, यहाँ से उठाया, वहाँ ये किया वो किया, तो वो लोग कितने उन्हीं के महल बने होते हैं। कह रहे एक हम हैं जो परिश्रम करते, इतना स्ट्रगल करते हैं, फिर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से 100 रुपये निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। धर्म ना बिगड़े का मतलब है मेरा ईमान ना डगमगाया, मैंने गलत काम करने का ना सोचा, है ना। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। अगर मैं कभी एक एक आना भी चोरी करता, एक एक आना भी गलत तरीके से लेता, तो भी बहुत सारे पैसे जुड़ लेता। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़ कर 5 रुपये की मिठाई ले आ। रसीला ये सारी चीज़ें देख रहा था, उसे लग रहा था कि ये पैसे कमाने का कितना आसान तरीका है ना, लोग तुरंत का तुरंत कर लेते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। तो रसीला ने क्या किया कि 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमजान को 8 लौटा कर समझा कि उसका कर्ज उतर गया। लेकिन आपने देखा होगा कि हमेशा ऐसे लोग ही फंसते हैं, जो एकदम कुशल होते हैं वो नहीं फंसते। तो आपको याद रखना है कि रसीला ने क्या किया, रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमजान को 8 लौटा कर समझा कि बस अब मैं कर्ज से मुक्त हुआ। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपये की है? तो कह रहा है, हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। रंग उड़ गया मतलब होश उड़ गए, बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा, रसीला ने फिर वही दोहराया, बता रहा हम कॉन्फिडेंस में होते, हाँ साहब बिल्कुल 4.5 रुपये की ही है, 4.5 पैसे की ही है। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। फिर कह रहा है, हुजूर झूठ कहूँ तो अपनी बात मैं पूरी भी नहीं कर पाया था कि इंजीनियर बाबू फिर चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी रात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता ना बचा था। रसीला बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। माई बाप मतलब माई लॉर्ड, या फिर आप ही मेरा सब पालन पोषण करने वाले हो, तो माई बाप इस बार गलती हो गई, माफ़ कर दो। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। आग बरसने लगी मतलब उनको और गुस्सा आ गया। उन्होंने निर्दयता से, बेरहमी से रसीला को खूब पीटा और फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, यह भी एक तरीके की रिश्वत है। आप इसमें ना, जब आपको अगर करेक्टरिस्टिक्स लिखने को आ जाएं, तो आपको पता चलेगा कि इंजीनियर साहब का किस तरीके का करेक्टर था। मतलब वह रिश्वतखोर थे, निर्दय थे, है ना, और ये और मिठाई के शौकीन थे। तो ये सारी चीज़ें आप लिखते जाएंगे टू द पॉइंट। तो उन्होंने फिर सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखा और बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब ये पिटेगा ही, ये समझाने से नहीं समझेगा। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अधिकार स्वीकार कर लिया। उसने कोई कहानी न बनाई, चाहा तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें थी, मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कह सकता था। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गईं, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है,
इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। शेख साहब न्याय प्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1,000 रुपए बांध कर दिए थे। अपने लिए तो शेख साहब ने भी रिश्वत ली, लेकिन अगर कोई गरीब था, कोई मजबूर था, तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए हमें अपनी सारी न्यायप्रियता याद आ जाती है। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया, मतलब उसका जो दोस्त था उसकी आंखों में फिर गुस्सा आने लगा। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं है, मतलब यहाँ न्याय नहीं होता है, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, अगर हम पकड़ लिए गए तो हम अपराधी हो गए, और असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं मतलब बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हर तरीके से कर रहे हैं, और उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा, एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? उसने बताया, 6 महीने की कैद। वह बोली, अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी, मतलब उसने सिर्फ एक अठन्नी ही तो ली थी, बाकी यहाँ जो साहब है वह क्या करते हैं कि रात के समय जब 1,500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद से रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग कोठरी में पछता रहा है। जिन लोगों ने बहुत सारा लिया, 1,000-1,500 के नोट लिए, वह तो नरम गद्दों पर मीठी नींद से सो रहे हैं, वहीं जिसने सिर्फ अठन्नी ली वह जेल की तंग कोठरी में पछता रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, आपको इसी से पता चल गया होगा कि शेख साहब का व्यक्तित्व कैसा था, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं, है ना, रमजान का लिख सकते हैं, रसीला कैसा था, इन सब जो भी कैरेक्टर हैं इनके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।